बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। जी, बीजेपी के सांसद हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कभी नीतीश के साथियों में गिने जाते थे बीजेपी में से, नाम सुशील मोदी, उनका यह बयान आया है तीखा तंज करते हुए। सुशील मोदी कह रहे हैं, लालू ने तो चकनाचूर कर दिया नीतीश का सपना, लालू ने राहुल को घोषित कर दिया गठबंधन का दूल्हा। तो देखिए किस तरीके से चुटकी लेते हुए तंज नीतीश कुमार पर। समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में, और लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बने? और वो चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। और अब आपको सुना देते हैं, इंडिया गठबंधन में जब संयोजक पद को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो फिर किस तरीके से उन्होंने कहा उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उनका मकसद तो सिर्फ विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करना है, कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं, दिल्ली से जैनेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले प्रकाश का रुख करेंगे। प्रकाश, दो दशक से ज्यादा से बिहार की राजनीति को, नीतीश की राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि साहब उनका कोई सपना नहीं, कोई मकसद नहीं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? मतलब ये नीतीश की नाना के पीछे की कहानी क्या? रोमाना, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और पार्टी के कई नेता और वरिष्ठ मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं बनना है। इसके पीछे की राजनीति को समझिए। एक तो ये क्या नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये बात हुई थी बेंगलोर में तो ये बात हुई थी कि कुछ संयोजक बनाए जा सकते हैं कुछ राज्यों को मिला करके। दूसरी तरफ लालू यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि तीन चार राज्यों को मिला करके कोई उस पर एक कन्वीनर हो सकता है। तो जाहिर है कि ये सारी बातें जब आ रही थी और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा था, तो पहली दफ़े उनका ये बयान था कि बैठक के बाद ही कुछ बातें आनी चाहिए सामने, उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही पूछा गया कि आपको कन्वीनर बनाने की बातचीत चल रही है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, यानी कि कुछ राज्यों को लेकर के कन्वीनर बनाने की अगर बात सामने आती है तो नीतीश कुमार को कतई मंजूर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि INDI के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से अगर उनको मिला करके एक कन्वीनर बनाया जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाए। मतलब आप कद की बराबरी पर और नेताओं को देखना नहीं चाहते नीतीश कुमार? सियासी तौर पर इंडिया गठबंधन में अपना कद सबसे ऊपर अगर हो बतौर कन्वीनर तो नीतीश कुमार राशि, लेकिन अगर ये रणनीति तय पाई जाती है कि अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कन्वीनर बना दिया जाए, तो फिर उस स्थिति के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।